अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स मैं हूँ आपका होस्ट साजिद महमूद मरवत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में जारी है। पहली इनिंग में जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर बरार अहमद और जैद महमूद ने जो है इंग्लैंड को आउट क्लास किया और 300 से पहले ही उनको जो है ना वो आउट कर दिया था। तो आइए आज बात करते हैं बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पेशन गोई की थी जो कि बिल्कुल जो है वो ठीक साबित हुई। तो 16 साल बाद टेस्ट मैच की मेज़बानी जो है वो मुल्तान स्टेडियम ने की है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि मुल्तान की विकेट जो है स्पिनर्स के लिए साजगार लग रही है। मैं हमारे पास जितने फास्ट बॉलर हैं इन पर फोकस करेंगे, पिच खुश्क है, स्पिन और रिवर्स जो है वो स्विंग जो है वो मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि वेस्ट स्पिनर इब्रान अहमद को टेस्ट कैप जो है वो दी गई है और ये उनका जो है वो पहला टेस्ट डेब्यू था, टेस्ट मैच था और क्या ही जो है वो डेब्यू किया है उन्होंने। 7 विकेट लिए अपनी पहली ही इनिंग में और किसी भी जो है स्पिनर के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए टेस्ट जो है ना वो ख्वाब होता है कि वो अपनी टेस्ट डेब्यू करे और टेस्ट डेब्यू में ही अपनी कंट्री के लिए वो ऐसी परफॉर्मेंस दे। तो व्यूअर्स अब तक के लिए इतना मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।